नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कल रात में ही जिस तरह से बादलों ने तेज गड़गड़ाहट शुरू की थी, उससे पूरी संभावना बन गई थी कि बारिश होगी। और रात में उत्तर प्रदेश का ये झांसी का इलाका है जहां खूब बारिश हुई। आप देख सकते हैं सड़कें तरबतर हैं और सुबह कोहरे की दस्तक से ये गलियां जो है इलाके की फिलहाल अभी कोहरे में ही लिपटी हुई हैं। चूँकि सुबह हो चुकी है और बच्चों को स्कूल जाने का समय है, भागदौड़ का समय होता है, लेकिन आप दूर तक देख रहे होंगे आपको कोहरे का पूरा तरह से जो चादर है वो दिखाई दे रहा होगा। ये आवास विकास से सूरपुरम केकेपुरी की तरफ जाने वाला इलाका है। काफ़ी डेवलप हो गया है यह इलाका, लेकिन हम आपको इसलिए यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ गलियों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुबह का जो समय है, हालांकि अब बारिश थम चुकी है, लेकिन कोहरे का प्रकोप जारी है और कई लोगों की अभी तक आंखें नहीं खुल पाई हैं, यानी वह अभी भी बिस्तर में हैं। यह सूरपुरम का इलाका बहुत खूबसूरत हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बन गई हैं। हालांकि सफाई व्यवस्था यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। ये देख सकते हैं आप गली का किस प्रकार से हाल है। हालांकि बच्चे स्कूल के लिए भाग दौड़ रहे हैं और चूंकि यहाँ अब स्मार्ट सिटी की वजह से कई सारे काम भी होते हैं सड़कों पर, इसलिए खुदाई आपको जगह जगह दिखाई दे जाएगी। गलियों की सफाई व्यवस्था के नाम पर तो फिलहाल यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति कही जा सकती है। ये देख सकते हैं बारिश के बाद क्या हाल होता है गलियों का। और ये यहाँ से आप सीधे काती बाबा प्रेमनगर की तरफ निकल सकते हैं। यह बहुत खूबसूरत इलाका है। सुबह का समय है, आप देख रहे होंगे बच्चे स्कूल जाने के लिए मम्मी के साथ आ रहे हैं, लेकिन दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि कोहरे का प्रकोप है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि सड़कें किस प्रकार से गीली हैं क्योंकि बारिश अब थम गई है। लेकिन इस बारिश ने फिलहाल सर्द हवाओं को बहुत तेज कर दिया है और एक बार फिर से सर्दी रिटर्न हुई है। तो ये स्कूली बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी के साथ में आ रहे हैं क्योंकि मौसम कैसा भी हो बच्चों को स्कूल तो जाना ही पड़ता है, यही सबसे बड़ी बचपन की समस्या होती है। लेकिन माँ बाप भी चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए और पढ़ाई करे क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट तय हो गई है। ये इलाका सूरपुरम का इलाका है, हमने आपको पहले दिखाया होगा, लेकिन आप सुबह का यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। मकान यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत बने हुए हैं और सड़क भी काफ़ी चौड़ी है। ऐसे खूबसूरत मकानों का नज़ारा पहले यहाँ झांसी में नहीं था, लेकिन जो विकसित झांसी है उसका यह एक खूबसूरत नज़ारा है। एक विकसित झांसी का यह आपको नज़ारा है जहां आप देख रहे हैं कि निर्माण बहुत तेज़ी से जारी है। और पहले जो इलाके मैदान से दिखते थे, खेत दिखते थे, ये देख सकते हैं यहां पर स्कूल है सूरपुरम इलाके का। और यह अंदरूनी इलाके में भी कई सारे निर्माण हो रहे हैं, बहुत अंदर तक जा सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ भी अंदर एक रास्ता है जो खाती बाबा की तरफ जाने वाले मार्ग हैं या गलियां हैं, हम आपको दिखाते हैं। आपने झांसी की गलियां नहीं देखी हो तो दिखाते हैं, कई मोड़ के साथ में खूबसूरत गलियां हैं और खूबसूरत यहां पर ये नज़ारे देखिए। आप देख सकते हैं मौसम जो है वह फिलहाल आपको कोहरे का नज़र आ रहा होगा। सुबह गलियों में सब्जियां, फल के ठेले, ब्रेड, गैस सिलेंडर वाले, ये सभी सुबह गलियों में आपको नज़र आते हैं और यही गलियां सुबह के समय इसी प्रकार से नज़र आती है। देखेंगे आप पूरी तरह से, आप सड़कें आप देखिए गीली हैं, मकान यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं।
यह खाकी बाबा दीनदयाल का इलाका है। यहाँ से जो सामने आप देख रहे होंगे, जहाँ आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, वो रास्ता सीधा खाकी बाबा और नंदनपुरा की तरफ हो जाता है। ये आप यहाँ देखेंगे तो जो गाड़ियाँ आपको रोड पर जाती दिख रही हैं, और जहाँ से यह मोटरसाइकिल टर्न होगी वो रास्ता खाकी बाबा की तरफ जाएगा, और एक रास्ता जो बाईं तरफ है वह नंदनपुरा के मुख्य चौराहे की तरफ होगा। तो फिलहाल बारिश और कोहरे के बाद गलियों में किस प्रकार सा सुबह का नजारा रहा है यह आप देख सकते हैं। ये खाकी बाबा की ओर जाने वाला इलाका है, यहाँ से खाकी बाबा शुरू हो जाता है। दीनदयाल नगर, सुरपुरम और खाकी बाबा का सुबह का जो कोहरे का नज़ारा रहा है वो आपको हमने दिखाया है। ये देख रहे हैं, ये खाकी बाबा की तरफ जाने वाला रास्ता है, और यह रास्ता नंदनपुरा की ओर जाता है। मार्केट संवाद के लिए अनिल मोर की रिपोर्ट, झांसी।